हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे Redmi Note 5 Pro के, जो कि Havok OS का 3.6 का न्यू अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या कुछ देखने को मिलता है और क्या कुछ फिक्स हुए हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे, और कुछ फीचर्स भी ऐड किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। और पहले से जो है ये काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, और पबजी भी आपके काफ़ी अच्छे चलते हैं तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो ले, सारी अपडेट्स आपको वहाँ भी मिलती रहेगी। तो चलिए हम वीडियो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अबाउट फोन में। तो यहाँ पे सेलिनक्स स्टेटस जो है इनफोर्सिंग है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और एंड्रॉइड वर्जन के अंदर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो एंड्रॉइड वर्जन 10 मिलता है, Havok OS का 3.6 5 जून 2020 की सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और कर्नल RID का यहाँ पे देखने को जो है मिल जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे स्टेटस बार जो कि टॉगल्स में, तो यहाँ पे जो है हमारा सबसे पहला जो फिक्स हुआ है वो है डाटा। अगर आप ऑन करते थे तो डिले था उसमें, तो वो चीज़ यहाँ पे फिक्स हो चुकी है, काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे बात करते हैं हमारा FPS इन्फो जो कि टॉगल्स पे मिल जाता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड्रॉइड R स्टाइल मिल जाता है, और यहाँ पे 20 Mbps तक आप रिकॉर्ड कर पाओगे। इंटरनल साउंड जो है यहाँ पे हमारा जो है रिकॉर्ड हो रहा है, और काफ़ी स्मूथ भी आप देख सकते हो, तो कोई लैग देखने को नहीं मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद भी, तो काफ़ी अच्छी बात है। एंड कॉलिंग की बात करें तो हमारा कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाता है, जियो वॉल्टी भी वर्किंग है, और वीडियो कॉलिंग भी आप यहाँ पे कर पाओगे। तो अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग कैसे आ रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग जो विदाउट GF वाला होता है, जिसके साथ GF अलग से फ्लश करना पड़ता है, उसको अगर आप फ्लश करोगे तो इसमें आपको कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे कैमरे की, तो कैमरा मिल जाता है, HDR मिल जाता है, AI मिल जाता है, एंड पोर्ट्रेट मोड जो है हमारा वर्किंग है बिल्कुल इसी तरीके से। वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें तो वीडियो क्वालिटी जो है हमारी यहाँ पे 1080 60 FPS एंड 4K 30 FPS तक देखने को मिल जाती है। बात करते हैं GCam की, तो GCam जो है आप यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से यूज़ कर पाओगे, कोई भी दिक्कत फिलहाल देखने को नहीं मिलती है, GCam हमारा बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है। और बात करते हैं यहाँ पे हमारा प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर हमारा सर्टिफाइड है जैसे कि देख सकते हैं आप, एंड FM हमारा वर्किंग है, और म्यूजिक यहाँ पे देखने को नहीं मिलता, तो म्यूजिक आप जो है थर्ड पार्टी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यूज़ करना पड़ेगा। बाकी बैंकिंग ऐप की बात करें तो GPay हमारा वर्किंग है, और मूवी की बात करें तो ये भी जो है हमारा बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। और बात करते हैं यहाँ पे हमारे फ़ोन पे के बारे में, तो फ़ोन पे भी हमारा यहाँ पे काम करता है। कुल मिला के बैंकिंग ऐप आपकी बिल्कुल इसी तरीके से काम करे, बैंकिंग ऐप में आपको दिक्कत देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस के अंदर, अगर हम चलते हैं कास्ट के अंदर, तो कास्ट हमारा बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है, तो इसमें आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। एंड कॉन्फ़िगरेशन सेंटर के अंदर अगर हम चलते हैं स्टेटस बार के अंदर, तो यहाँ पे हमारा क्लॉक एंड लोगो सेटिंग्स करने के लिए मिल जाता है। नेटवर्क स्पीड को जो है इम्प्रूव किया गया थोड़ा बहुत यहाँ पे इस अपडेट में, तो ये भी जो है बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है हमारा, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड हमारा नीचे आइकन स्टाइल मिल जाता है, परसेंटेज मिल जाता है, तो ये सारे ऑप्शन जो है हमें मिल जाते हैं। बैटरी बार जो कि न्यू ऐड किया गया है यहाँ पे। एंड क्विक सेटिंग्स की अगर हम बात करें, क्विक पुल डाउन, स्मार्ट पुल डाउन मिल जाते हैं, एंड बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है जो कि टॉगल यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेटस बार पे तो मिल जाता है। एंड हेडर इमेज जो है आप यहाँ पे यूज़ कर पाओगे बिल्कुल इसी तरीके से, ये भी जो है हमारी काम कर रही है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से जो है आप इनेबल करके यूज़ कर पाओगे। ऑटोमेटिक पे रहता है, तो आपके टाइम के हिसाब से चेंज होता रहेगा वॉलपेपर। बाकी डार्क जो कि आप डार्क भी यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। बाकी नॉर्मली सारे सेटिंग्स हमें अब जो है देखने को मिल जाती हैं। एंड बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन के अंदर डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है, मीडिया आर्टवर्क मिल जाता है, म्यूजिक विजुअलाइजर मिल जाता है, पॉकेट डिटेक्शन मिल जाता है, बाकी एरर वाइब्रेशन मिल जाता है, क्विक सेटिंग मिल जाता है, स्टेटस बार मिल जाता है, एंड चार्जिंग इन्फो देखने को मिल जाता है। अमिन डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो बैटरी लेवल मिल जाता है, ऑलवेज ऑन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है। एंड नीचे आपको डबल टैप मिल जाता है, जेस्चर एंड पिकअप मिल जाता है, हैंड वेव मिल जाता है, पॉकेट मिल जाता है, तो ये सारे ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे बटन्स की, तो बटन्स के अंदर नेविगेशन बार मिल जाता है, सिस्टम नेविगेशन जिसके अंदर हमारा जेस्चर एंड 3 बटन नेविगेशन जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से और काफ़ी स्मूथ यहाँ पे काम करते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो आप यहाँ पे जो है सेंसिटिविटी भी देख सकते हो जेस्चर्स की, तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ये काम कर रहा है यहाँ पे। एंड एरो की मिल जाता है, पावर मेन्यू के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे एडवांस रिबूट का ऑप्शन देखने को हमें मिल जाता है, और साथ साथ एडवांस रिबूट आप लॉक स्क्रीन के लिए भी इनेबल कर पाओगे, ये ऑप्शन हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी नीचे आपको वॉल्यूम बटन्स की सेटिंग्स मिल जाती है, एंड बैक जेस्चर के कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जेस्चर की,
तो जेस्चर के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है जेस्चर देखने को मिल जाता है, सिस्टम नेविगेशन यहाँ पे भी देखने को मिलने वाला है, बाकी यहाँ पे थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है। एंड बात करते हैं नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन लाइट जो है हमारी यहाँ पे वर्किंग है बिल्कुल इस तरीके से, चार्जिंग लाइट भी तो कोई दिक्कत नहीं, एंड एज लाइटिंग भी हमारी जो है बिल्कुल इस तरीके से काम कर रही, एज लाइटिंग भी यूज़ कर पाओगे। बाकी टीकर जो है यहाँ पे न्यू ऐड किया गया इस अपडेट में, यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन स्टाइल के लिए यहाँ पे टीकर जो दिया गया ये इस अपडेट में ऐड कर दिया गया। बाकी हमें यहाँ पे एक ऐप बटन मिल जाता है, एंड बैटरी सेविंग के अंदर स्मार्ट पिक्सल हमें देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और नीचे स्क्रीन के लिए हमारा यूज़ फ्रेमवर्क में देखने को मिल जाता है। एनिमेशन में आपको सारे एनिमेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मिसलेनियस के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे गेमिंग मोड हमें देखने को मिल जाता है, और साथ साथ नीचे आपको चार्जिंग एनिमेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, और साथ साथ एडेप्टिव प्लेबैक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बैटरी की, तो बैटरी के अंदर अगर हम चलते हैं तो बैटरी सेवर, एडेप्टिव बैटरी एंड स्मार्ट चार्जिंग जो है, स्मार्ट चार्जिंग को यहाँ पे इस अपडेट में फिक्स कर दिया गया है, तो ये भी जो है इस अपडेट में फिक्स हो चुका है हमारा। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि बैटरी बैकअप की, तो 2 आवर की मूवी में यहाँ पे फुल ब्राइटनेस पे प्ले किया था, तो 66% बैटरी यहाँ पे देखने को हमें मिली है, जैसे कि कॉल्ट वॉइस में बिल्कुल सेम देखने को मिलती थी सेम कर्नल पे, तो उसी तरीके से यहाँ पे मिलती है, तो बैटरी बैकअप आपको काफ़ी चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। एंड डिस्प्ले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ऑटो ब्राइटनेस, नाइट लाइट, डार्क मोड काम कर रहा है। स्टाइल्स के अंदर हम आपको यहाँ पे 4 क्लॉक जो है ऐड की गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी क्लॉक्स हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली इस अपडेट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्लॉक्स हैं जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक सेट करके दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी अच्छे क्लॉक्स हैं जो कि यहाँ पे ऐड की गए हैं, तो कुछ इस तरीके से देखने में लगते जो कि काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा भी लगता है इस तरीके से, तो ये जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन डिस्प्ले की, तो यहाँ पे भी ऑलवेज ऑन देखने को मिल जाता है, कुछ कुछ चीज़ें हैं दो दो जगह देने की जरूरत नहीं थी लेकिन दो दो जगह हमें देखने को मिलता है। बाकी साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड के अंदर आपको यहाँ पे MI साउंड एनहांसर देखने को मिल जाता है जो कि बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्किंग है, तो यहाँ पे जो है आप इसका यूज़ कर पाएंगे। बाकी सिक्योरिटी के अंदर अगर हम चलते हैं तो फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक भी देखने को यहाँ पे हमें मिल जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करते हैं फिंगरप्रिंट, और पैटर्न साइज हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो पैटर्न साइज कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। और बात करते हैं फिंगरप्रिंट के, तो फिंगरप्रिंट हमारा काम कर रहा है यहाँ पे, बस वो एक लॉक करते ही तुरंत टैप करोगे तो अनलॉक नहीं होता, 1 सेकंड वेट करने के बाद जो अनलॉक करोगे तो बिल्कुल इस तरीके से अनलॉक हो रहा है। और फेस अनलॉक भी हमारा जो है बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक भी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है। और स्क्रीन लॉक सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाती है। बाकी स्मार्ट लॉक सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे जो है स्मार्ट लॉक सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाता है जो कि हमें हमेशा देखने को मिलता है। और बात करते हैं डिजिटल वेल्बिंग की, तो डिजिटल वेल्बिंग का भी सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सिस्टम के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली सारी सेटिंग मिलती है। एंड एंटूटू बेंचमार्क स्कोर की अगर बात करें तो 1,45,861 हमें यहाँ पे देखने को एंटूटू बेंचमार्क स्कोर मिल जाता है। पबजी की अगर हम बात करें तो पबजी जो है हमारा यहाँ पे HD तक का सपोर्ट मिल जाता है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे फिलहाल स्मूथ पे खेलने वाला हूँ हाई फ्रेम रेट पे। तो पबजी की अगर मैं बात करूँ तो टच रिस्पॉन्स एंड ऐसे भी परफॉर्मेंस जो है काफ़ी इंप्रूव पहले से हो चुके हैं, तो पहले से बेटर ही परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली यहाँ पे, क्योंकि इस अपडेट में जो है काफ़ी स्मूथ रोम भी हो चुका है, और साथ साथ पबजी परफॉर्मेंस भी आपकी काफ़ी इंप्रूव हुई है यहाँ पे, और कुछ जो पुराने बग्स थे उनको भी यहाँ पे फिक्स कर दिया। कुल मिला के इस रोम में आपको कुछ भी घाटे वाला कुछ भी नहीं है, जो भी है आपको इंप्रूवमेंट मिली है, और काफ़ी अच्छे जो है फीचर्स जो थोड़े बहुत ऐड किए गए हैं वो ऐड किए गए हैं, बाकी इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप जो है यहाँ पे अगर डेली लाइफ के लिए यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर पाओगे। बैंकिंग ऐप भी आपकी बिल्कुल वर्किंग है, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से, क्योंकि काफ़ी लोगों की अलग अलग चॉइस रोम की होती है, तो अगर आप इस रोम को भी यूज़ करना चाहते हो तो डेली लाइफ में भी यूज़ कर पाओगे बिल्कुल इसी तरीके से, तो आप यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है। ये है वॉक की तरफ है 3.6 का, तो इस अपडेट में आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल जाते थे। यही सारी चीज़ें थी इस वीडियो में, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर ले, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो ले, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको वहीं पे देखने को मिलेगी, मेरी जो भी अपडेट्स है सारी अपडेट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी, बाकी आपकी हेल्प भी वहाँ पे जो है हो जाया करेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।